आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है निर्गमन की पुस्तक 25वां अध्याय वचन 23 से 40। फिर बबूल की लकड़ी की एक मेज बनवाना, उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। उसे चोखे सोने से मढ़वाना और उसकी चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और उसकी चारों ओर 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी बनवाना और इस पटरी के चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना और सोने के 4 कड़े बनवाकर मेज के उन चारों कोनों में लगवाना जो उसके चारों पायों में होंगे। वे कड़े पटरी के पास ही हों और डंडों के घरों का काम दे कि मेज उन्हीं के बल उठाई जाए। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनवाकर सोने से मढ़वाना और मेज उन्हीं से उठाई जाए और उसके परात और धूपदान और चमचे और उंडेलने के कटोरे सब चोखे सोने से बनवाना और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना। फिर चोखे सोने की एक दीवट बनवाना, सोना ढलवा कर वह दीवट पाए और डंडी सहित बनाया जाए। उसके पुष्प कोण, गाठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसके किनारों से 6 डालियां निकले, 3 डालियां तो दीवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हों। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोष, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई 6 डालियों का यही आकार या रूप हो और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान 4 पुष्पकोण अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ हों। वे दीवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हों। उनकी गांठें और डालियां सब दीवट समेत एक ही टुकड़े की हों। चोखा सोना ढलवा कर पूरा दीवट एक ही टुकड़े का बनवाना और 7 दीपक बनवाना और दीपक जलाए जाए कि वे दीवट के सामने प्रकाश दें। उसके गुलतराश और गुलदान सब चोखे सोने की हो। वह सब इन समस्त सामान समेत किक्कार भर चोखे सोने का बने और सावधान रहकर इन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान बनवाना जो तुझे इस पर्वत पर दिखाया गया है।